क्लास सेवन मैथ्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, गेट द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन शो करने हैं। क्वेश्चन वन, गेट द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? Subtract of z from y. Subtract of z from y. तो subtract means solution इसके आगे लिख देते हैं। Subtract यानी minus। जब from आ जाता है subtract में तो बाद वाला आगे लिखा जाता है, आगे वाला पीछे लिखा जाता है, यानी y minus z आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट, वन हाफ ऑफ सम ऑफ नंबर्स, वन हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई। वन हाफ यानी 1/2 ऑफ मल्टीप्लाई सम ऑफ नंबर x एंड y, x प्लस y, ये है। और हम इसे लिख सकते हैं x प्लस y अपॉन 2 आंसर। थर्ड देखो, 1 इंटू x प्लस y, x प्लस y होगा अपॉन में 2, ऐसे तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों एक ही चीज है। द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो जेड मल्टीप्लाई बाय जेड, तो आप इसे कैसे शो कर सकते हो? आप इसे जेड स्क्वायर के फॉर्म में शो कर सकते हो आंसर, जेड स्क्वायर। नेक्स्ट फोर्थ, वन फोर्थ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू, 1/4 of the product of numbers p and q, 1/4 यानी 1/4 of multiply product of p and q, P और Q के प्रोडक्ट से 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4 पी क्यू, ये आपका आंसर है। फिफ्थ, नंबर X एंड Y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, नंबर्स X एंड Y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, तो क्या हो जाएगा? एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड, तो एक्स को भी स्क्वायर करेंगे, वाई को भी, और एड कर देंगे आंसर। सिक्स्थ, नंबर 5 एडेड टू, नंबर 5 एडेड टू 3 times the product of 3 times the product of number 5 added to 3 times the product of numbers m and n, numbers m and n।
नंबर फाइव, ये फाइव लिख लो, एडेड टू थ्री टाइम दी, एडेड टू थ्री टाइम यानी थ्री मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर एम एन एंड एम और एन। तो इसे लिख सकते हैं हम फाइव प्लस थ्री एम एन, और हम इसे लिख सकते हैं थ्री एम एन प्लस फाइव। फाइव एडेड टू थ्री टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन। सेवंथ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर वाई एंड जेड, प्रोडक्ट ऑफ नंबर वाई एंड जेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टेन, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टेन। भाई यही ध्यान रखना, जहां सब्ट्रैक्टेड आ जाए और फ्रॉम आ जाए तो बाद वाला ये जो भी नंबर है पहले लिखेंगे 10, फिर माइनस का निशान लिखेंगे और पहले वाला जो भी है क्या है प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, तो वाई वाई एंड जेड, तो वाई जेड बाद में लिखेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया 10 माइनस वाई जेड, ये आपका आंसर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर वाई एंड जेड, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा वाई जेड। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, तो इसे 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आगे फिर सब्ट्रैक्ट का निशान फिर ये। क्वेश्चन 8th पार्ट, सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्टेड फिर माइनस का निशान, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट वाला इधर और सम वाला इधर। सम ऑफ नंबर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का सम कर दो, ये बाद में लिखना है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट यानी ए इंटू बी, तो आंसर हो गया ए बी माइनस ए प्लस बी, ब्रैकेट में लिखना है, इसे ध्यान रखना। क्वेश्चन सेकंड, आइडेंटिफाई फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन सेकंड का, इसने कहा आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स, एंड देयर फैक्टर्स, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। फर्स्ट पार्ट एक्स माइनस थ्री, तो ट्री डायग्राम से जो इसकी टर्म्स हैं हो जाएंगी x और माइनस थ्री, इनके कोई फैक्टर है नहीं तो ये एज इट इज लिखा जाएगा। बी पार्ट में वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास थ्री टर्म्स आ जाते हैं यहां पे, तो थ्री टर्म्स के लिए आप इस तरह से वन एक्स और एक्स स्क्वायर, अब इनके तो कोई फैक्टर नहीं है, इसका फैक्टर है, जिसके फैक्टर है वो इस तरह से एक्स और एक्स, आप लिख सकते हो इसके सामने कि इसे एक्सप्रेशन कहेंगे, इन्हें टर्म्स कहेंगे और इन्हें आप फैक्टर्स कहोगे, ये एग्जैक्ट मेथड है शो करने का सेकंड पार्ट में।
नेक्स्ट देखो थर्ड, सी y माइनस वाई क्यूब टर्म, ये जो माइनस का साइन है ये टर्म्स में डिवाइड करता है, तो इसमें दो टर्म है, एक y है और एक माइनस वाई क्यूब है। y के तो कोई फैक्टर है ही नहीं, लेकिन y क्यूब में तीन फैक्टर हैं, आप चार भी कर सकते हो। माइनस वन को आप अलग ले सकते हो, माइनस वन फिर y फिर y और फिर y, ये चार फैक्टर है। डी पार्ट क्या कहता है, फाइव एक्स वाई स्क्वायर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर वाई, टर्म्स कितनी है इसमें दो, प्लस एक ही प्लस माइनस का साइन है तो दो टर्म है, एक इधर और एक इधर, तो इसमें पहले दो टर्म है, 5xy स्क्वायर और 7x स्क्वायर वाई, इसमें कितने फैक्टर हैं, 5xy स्क्वायर 5xy और y, इसमें 7x और y x और y। तो ये क्या आपका, दोबारा बता रहा हूं, इसको हम कहेंगे एक्सप्रेशन, इनको कहेंगे टर्म्स और इनको कहेंगे फैक्टर्स, ये याद रखना। नेक्स्ट ई, क्वेश्चन में क्या दे दिया ई में, माइनस ए बी प्लस टू बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर, फैक्टर कितने दे दिए टर्म्स, पहले तो टर्म निकाल लो, टर्म में डिवाइड करेंगे तीन, पहला माइनस ए बी और दूसरा टू बी स्क्वायर और तीसरा माइनस थ्री ए स्क्वायर। माइनस ए बी में फैक्टर दो, माइनस ए और बी, और ये टू बी स्क्वायर में टू बी और दूसरी बी, इसमें माइनस थ्री ए और ए, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट क्वेश्चन सेकंड, सेकंड पार्ट आइडेंटिफाई टर्म फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, सेम वैसे ही आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो, फर्स्ट आपके पास माइनस फोर एक्स प्लस फाइव, अब पहले की तरह ट्री डायग्राम नहीं बनाना, काम वही करना है, टर्म और फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए टेबल बनाएंगे हम, उसमें यहां इसके ऊपर क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशंस, फिर हम लिखेंगे टर्म टर्म्स, जैसे इसमें कौन कौन सी टर्म है, माइनस फोर एक्स है और दूसरी टर्म को उसके नीचे लिखेंगे फाइव है, फिर लिखेंगे फैक्टर्स, माइनस फोर एक्स के दो फैक्टर, माइनस फोर और एक्स, और फाइव का कोई फैक्टर नहीं, फाइव का सिर्फ फाइव फैक्टर है। तो इस तरह से अब हम टेबल बनाएंगे, पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे और फिर उन टर्म्स के सामने उनके फैक्टर लिखेंगे, क्लियर है। तो ये फर्स्ट था बी, सेकंड बी एक्सप्रेशन के नीचे एक्सप्रेशन, माइनस फोर एक्स प्लस फाइव वाई टर्म्स, ये तो फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड में पहली टर्म माइनस फोर एक्स और दूसरी टर्म फाइव वाई,
माइनस फोर में माइनस फोर और एक्स फाइव वाई में फाइव एंड वाई। इसी तरह से थर्ड सी फाइव वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर, तो इसमें दो टर्म है, एक है फाइव वाई और एक है थ्री वाई स्क्वायर। अब इनके फैक्टर, फाइव वाई का फैक्टर फाइव और वाई, थ्री वाई स्क्वायर का फैक्टर थ्री वाई और वाई। डी एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो पहले में एक्स वाई लिखो फिर लिखो टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई एक्स अलग वाई अलग, टू अलग एक्स अलग, एक्स अलग वाई अलग, वाई अलग टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ई पी क्यू प्लस क्यू टर्म्स, एक पी क्यू और एक क्यू, पी क्यू के फैक्टर पी एंड क्यू, क्यू के फैक्टर सिर्फ क्यू। एफ वन पॉइंट टू ए बी माइनस टू पॉइंट फोर बी प्लस थ्री पॉइंट सिक्स ए, टर्म्स ये माइनस से पहले ये वाली वन पॉइंट टू ए बी, फिर माइनस के बाद वाली टू पॉइंट फोर बी, फिर ये अलग थ्री पॉइंट सिक्स ए। फैक्टर वन पॉइंट टू अलग, ए अलग और बी अलग, टू पॉइंट फोर अलग, फोर अलग और बी अलग और बी अलग, थ्री पॉइंट सिक्स अलग और ए अलग। तो ये एफ। इसके बाद जी थ्री अपॉन फोर एक्स प्लस वन बाय फोर, थ्री अपॉन फोर एक्स और वन बाय फोर, अलग अलग करें तो थ्री अपॉन फोर अलग और एक्स अलग, नीचे अलग अलग का कोई चीज ही नहीं है, तो वन बाय फोर। तो ये क्या हो गए, ये आपके फैक्टर्स हो गए। एच जीरो पॉइंट वन पी स्क्वायर प्लस जीरो पॉइंट टू क्यू स्क्वायर, टर्म्स जीरो पॉइंट वन पी स्क्वायर और जीरो पॉइंट टू क्यू स्क्वायर, फैक्टर्स जीरो पॉइंट वन अलग, पी अलग और पी अलग, जीरो पॉइंट टू अलग, क्यू अलग और क्यू अलग। यहाँ ये क्वेश्चन सेकंड खत्म हो जाता है।